आलू चाप बनाने के लिए सबसे पहले दो आलू मैंने लिए हैं, 200 ग्राम आलू हैं और उबाल के छील के मैश किए हुए आलू। जितने आपके आलू हैं उसका आधा आपने बेसन लेना है। 200 ग्राम आलू लिए थे तो 100 ग्राम बेसन लिया है मैंने। लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से या लगभग आधा चम्मच। आधा चम्मच धनिया पाउडर। नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से। हल्दी पाउडर लगभग आधा चम्मच लगेगा। और ये एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा ले सकते हैं। दो चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ। और इस सब के अलावा तेल चाहिए हमें डीप फ्राई करने के लिए। अब एक बोल लेंगे, उसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू, साथ में डालेंगे अदरक बारीक कटी हुई। अदरक डालने के बाद में हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ में डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक टेस्ट के हिसाब से या लगभग आधा चम्मच लगेगा यहाँ पे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या टेस्ट के हिसाब से और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अब हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। क्योंकि चम्मच से अच्छे से मिक्स होंगे नहीं तो हाथ से मिक्स करें। एकदम डो के जैसे इसको चिकना कर लें और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद में छोटी छोटी इसकी टिक्की जैसे बना लेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप में बना सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिश्रण ले लें और हल्के हाथ से इसको दबा लें। इस तरीके से ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ना बनाएं और रखते जाएंगे। इस तरीके से सारी तैयार कर लेंगे हमारी चाप, ये देखिए, और रखते जाएंगे। ये चाप हमने तैयार कर ली है सारी इस तरीके से छोटी छोटी टिक्की। और मैंने यहाँ पे गोल शेप दी है। आप चाहें तो चौकोर या कोई भी अगर मोल्ड है उससे बना सकते हैं, कोई भी शेप आप दे सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है तो तेल को गर्म करेंगे। चलिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक चाप उठाएंगे और घोल में डिप करेंगे अच्छे से और एक्स्ट्रा हटा देंगे और इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और डालते ही इनको टच नहीं करना है, एक मिनट के लिए इनको फ्राई होने दें, उसके बाद चम्मच या कड़छी लगाएं वरना टूट जाएंगे। और इनको मीडियम हीट के ऊपर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये एक मिनट के बाद इनको पलट लेंगे, एक एक करके पलटें और दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए, निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी फ्राई करेंगे, अच्छे से घोल में लपेटने। लीजिए, तैयार हो गई है आलू चाप। इंजॉय करें सॉस या चटनी के साथ में।